वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम डॉक्टर रंजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी एनसीआरटी के चैप्टर नंबर एट के बारे में सो so, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज सो लेट्स स्टार्ट अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ई मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और दिस इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पी मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पर्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप अगर चाहते हैं लेके, क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व एन के सारे लेक्चर्स को देखना तो वो भी यहाँ पर बहुत एलैबोरेटली कवर किए हैं मैंने तो उन सबके लिंक्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज और एक बायोलॉजी एनसीआर क्लास ट्वेल्व का चैप्टर नंबर एट है तो जो चैप्टर नंबर फाइव सिक्स सेवन जो है वो मैंने स्किप कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहे थे या फिर हमने उनको छोटी क्लासेस में कवर कर लिया था तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हेल्थ क्या होती है हम डिजीज़ के बारे में भी बात करने जा रहे हैं तो अगर हम हेल्थ की बात करें और अगर मैं डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन की बात करती हूँ तो हेल्थ जो है वो वो स्टेट होती है ह्यूमन बॉडी की जिसमें उसकी फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग की बात की जाती है मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो जनरली वी टेंड टू फील की भाई एक सिर्फ सिर्फ फिजिकल कॉम्पोनेंट है कि भाई हमारी अगर बॉडी अगर ठीक से काम करती है तो हम उस पर्सन को हेल्दी मानते हैं बट ऐसा नहीं है दिस इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल कॉम्पोनेंट ये इसमें अंदर मेंटल कॉम्पोनेट भी आएगा और सोशल कॉम्पोनेंट भी आएगा तो हेल्थ की डेफिनेशन में मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड होती है और सोशल हेल्थ भी इंक्लूड होती है लाइक हाउ यू बिहेव सोशली वो भी सारी की सारी हेल्थ की डेफिनेशन में आती है अगर हम बात करें डिजीजेस की या हेल्थ जो खराब होती है हेल्थ की अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइफ हो सकता है हमारा जो कि किसी इंडिविजुअल की हेल्थ को खराब कर सकता है तो बैलेंस डाइट है उसको हमें लेना चाहिए दीज आर ऑल वेरी कॉमन थिंग विच यू ऑलरेडी नो अगर हम फिर डेफिनेशन की बात करें डिजीज की तो डिजीज किसको कहते हैं हम तो डिजीज़ हमारे बॉडी की वो स्टेट होती है जिसमें कि हमारी बॉडी और उसके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्टेट जिसमें एक ऑर्गन या सिस्टम या पूरी बॉडी इज नॉट एबल टू डू द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन अ प्रॉपर मैनर यूजल मैनर तो हम उसे डिजीज स्टेट कहते हैं डिजीज़ जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करती हूँ डिजीज़ को तो डिजीज को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन्फेक्शियस डिजीजेज को कम्युनिकेबल डिजीजेज भी कहा जाता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहा जाता है मतलब क्या हुआ इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होंगी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत आसानी से फैल जाती हैं जैसे किसी तरीके के वायरल इन्फेक्शन हो गए वो एक पर्सन को अगर हुआ है तो वो आपके रेस्पिरेटरी रूट से जो है वो फैल सकता है टच करने से फैल सकता है तो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगी उसके अंदर आएगा एड्स ईजिली नहीं ट्रांसमिट होता वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होगा या ब्लड से ट्रांसमिट होगा कॉमन फ्लू बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगा आप ब्रीद भी कर रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर वो दूसरा पर्सन बैठा हुआ है वहाँ से आपको कॉमन फ्लू ट्रांसमिट ट्रांसमिट हो सकता है जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं लेकिन अगर आप एड्स की बात करें तो ये हाईली इन्फिक्शियस नहीं है ये तभी होगा जबकि ब्लड या बॉडी के फ्लूइड्स कॉन्टैक्ट में आते हैं राइट right? फिर दूसरी तरीके की डिजीजे जिनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कह रहे हैं वो कौन सी डिजीज है वो डिजीजे जो ट्रांसमिट नहीं होती जैसे कि कैंसर हो गया डायबिटीज मिलाइटिस हो गया आर्थराइटिस हो गया ऐसे डिजीजेस मेनली जो या तो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं या किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो डिजीज हो रही है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया क्या सिकल सेल एनीमिया किसी दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है सिर्फ बेटे बेटे नहीं वो सिर्फ ऑफ में ट्रांसमिट होगा ओके okay. तो diseases causing जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम pathogens कहते हैं जो होंगे वो फर्दर हमने क्लासीफाई की हैं तो वो पांच तरीके के पैथोजेंस कॉमनली देखे गए हैं उसके अलावा भी पैथोजेंस हो सकते हैं तो अगर हम पैथोजन की क्लासिफिकेशन देते हैं तो पैथोजेंस जो है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं वायरस हो सकते हैं फंगस हो सकते हैं प्रोटोजुआज हो सकते हैं और हेलीमेंथिस हो सकते हैं तो ये सारे के सारे जो है आपके डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस हैं तो पैथोजेंस क्या हुए वो ऑर्गेनिजम्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी एक हेल्दी बॉडी को नॉन फंक्शनल या बीमार बनाते हैं तो उनको हमने पैथोजेंस कहा तो पैथोजन एंटर कैसे करते हैं बॉडी में मतलब हमारी बॉडी अगर एक डिजीज फ्री बॉडी है तो उसके अंदर ये सारे के सारे पैथोजेंस कैसे एंटर करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से, कर से कर एंटर कर सकते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एंटर कर सकते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू एंटर कर सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स जिसमें हम ब्रीद कर रहे हैं स्वेटिंग के थ्रू एंटर कर सकते हैं तो इस तरीके के अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है पैथोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं वो हमारी बॉडी में अगर एक बार एंटर कर गए तो हमारी बॉडी की सेल्स वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमारी बॉडी किसी और ऑर्गेनिज्म की है और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है कोई पैथोजन तो पैथोजन का नंबर जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस हमारे को डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं लाइक like, अलग अलग सिम्टम अलग अलग डिजीजेस के हो सकते हैं डायरिया वॉमिटिंग फीवर हेडेक मतलब जिस डिजीज़ का जो सिम्टम है वो आपको सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे बेसिकली वो सिम्टम्स क्या है वो बॉडी की फंक्शनिंग को डिसफंक्शनल बना रहे हैं तो इन्फेक्शन जो है उनको हम कुछ कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है बैक्टीरियल वायरल पोटोजोल फंगल हेलीमेंटिक्स इन्फेक्शन तो इस चार्ट में जो है आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं अगेन आई विल से कि दिस इज अ फाइव स्टार चार्ट इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझ लेना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं वायरल कौन से हैं और प्रोटोजोअल फंगल क्या क्या इन्फेक्शन है हम इन सब के बारे में एक एक करके अच्छे से बात करेंगे तो अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं कि इस चार्ट को आपको रिविजन पर्पज के लिए बार बार याद करना है अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे बट डिटेल में पढ़ने से पहले और बाद में आपको क्या है रिविजन के लिए याद करने की जरूरत पड़ेगी तो अगर आप रिविजन पर्पज़ की बात करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आएगा ट्यूबरक्सिस निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन गोनोरिया जो कि एक एस है टेटनस डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस बिबोनिक प्लेग ये सारे क्या है ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो एच आई वी एड्स इंफ्लुंजा हार्पीज हैपेटाइटिस कॉमन कोल्ड पोलियोमेलाइटिस ये सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन में आएंगे फंगल इन्फेक्शन में कॉमन होते हैं कैंडीडी नेल फंगस रिंग वाम न्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जिसकी बात करते हैं प्रोटोजोअल अगर इन्फेक्शन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर अमीबी एसिस आएगा मलेरिया आएगा जी आर डी एसिस आएगा न्यूमोसिस्टोसिस आएगा मतलब इस तरीके के इन्फेक्शन आएंगे हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे हेलीमेंथिस के इन्फेक्शन की बात करेंगे जो कि पैरासाइट होते हैं जो पैरासिटिज्म कर रहे हैं हमारी बॉडी पर हुकम टेप वॉम फाइलैरियासिस एस्कैरिएसिस ये सारे एस्केरी फाइलेरियासिस इन सब के जो वॉर्म्स हैं उनके नाम पे इस डिजीज़ का नाम है जैसे वो दिखाई दे रहे हैं राइट तो हम सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आप इस चार्ट को ज़रूर रिविजन पर्पज़ के लिए याद कर लेना क्योंकि जो स्टेट पी एग्जाम है या दूसरे वनडे एग्जाम है उसके अंदर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है किसी एक डिजीज़ का नाम लेके और ये सीधा पूछा जाता है कि भाई ये बैक्टीरिया है वायरल है फंगल है कौन सी डिजीज़ है आपको सिर्फ इतना सा बताना होता है वो बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन होता है अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वो है जो कि बैक्टीरिया से फैल रहे हैं अब बैक्टीरिया क्या होता है फंगस क्या होता है क्या होते हैं ये सारी क्या कैटेगरी है इसको मैंने क्लास नाइन जो है उसके चैप्टर में बहुत इलेबोरेट डिस्कशन में पढ़ाया है आपको प्लांट की किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ाई है फिर मैंने आपको एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ाई है तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि बैक्टीरिया क्या होता है बैक्टीरिया जो है प्रोक्रियोटिक सेल है वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमने उसको रखा हुआ है फंगस जिसको हम पहले क्लासिफाई करते थे प्लांट्स के साथ फिर हमने इसको एक अलग कैटेगरी बनाया मतलब हमने से मेरा मतलब है साइंटिस्ट ने हमारे प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ क्या होते हैं ये प्रोकेरियोटिक यू सेल्स होती है सिंगल सेल हेलीमेंथेसिस क्या होते हैं हेलीमेंथिस जो है वो एक तरीके के पैरासाइट है वो वॉर्म्स हैं जो हमारी बॉडी पे फीड करते हैं तो उस सारी क्लासिफिकेशन जो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये सारे माइक्रो ऑर्गैनिज्म या ऑर्गेनिजम्स कौन कौन किस किस कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं क्लास नाइन के उस चैप्टर में जा सकते हैं उसे फिर से पढ़ सकते हैं तो अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे तो बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी होंगी जो कि बैक्टीरिया से फैल रही है अगर हम कॉमन डिजीजेस की बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीजेस की बात करेंगे तो हम एक टाइफॉइड की बात कर सकते हैं हम निमोनिया की बात कर सकते हैं तो टाइफाइड जो हो रहा है सालमोनिला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैल रहा है और साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हम सारे देखो डिजीजेस के बारे में नहीं पढ़ सकते क्योंकि अगर हमने सारी डिजीज के बारे में पढ़ना शुरू किया तो ये आपका एक मेडिकल का क्लास हो जाएगा जीएस uh, का क्लास नहीं बचेगा साइंस का क्लास नहीं बचेगा ओके okay? तो अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं बहुत ही कॉमन एलिमेंट है टाइफाइड हमारे को टाइलोनेला टाइफी से हो रहा है साल्मोना टाइफी क्या कर रहा है पहली बात हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है तो टाइफी जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है ओरोफिकल रूट से तो ओरोल रूट क्या है या तो आपने उसे खा लिया है या फिर फीकल का मतलब जब बैक्टीरिया जो पेशेंट है वो जो इन्फेक्टेड है टाइफॉइड से उस पेशेंट की इंटेस्टाइन के अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करता है तो अगर इंटस्टाइन के अंदर वो ग्रो कर रहा है तो समझ लीजिए कि जिस वक्त वो पर्सन जो है एक्सक्रीट आउट करेगा फीसेस मतलब फीकल मैटर जो होगा वो भी कंटेमिनेटेड होता है तो कंटेमिनेटेड फीटकल मैटर जो है अल्टीमेटली कंटेमिनेट किसको करता है किसको खराब करता है किसको इन्फेक्शन करता है वाटर को जाके और वो अगर कंटेमिनेटेड वाटर अगर आपने पी लिया तो फिर आपको उसी वाटर या फ्रूट चाट हो गई या कुछ ऐसी चीजें हो गई जहां पे वो बैक्टीरिया है कैसे कंटामिनेट हुआ फीकल मैटर से कंटामिनेट हुआ तो आपने अगर उसे इंजेस्ट कर लिया तो आपको टाइफाइड होता है इसी तरीके से ही टाइफाइड होता है इसीलिए बोला जाता है गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो रहा है अगर आपने कहीं पर भी या, गंदे प्लेट में खाना खाने से टाइफॉइड हो रहा है ओके तो ये क्या करता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है मैंने आपको बताया कि जो भी बैक्टीरिया जिसको भी जिस भी पेशेंट को टाइफॉइड होगा वो बैक्टीरिया वो कहाँ जाके रिजाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसकी इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देता है मतलब कि उसके अंदर छेद बना देता है तो अगर आपने टाइफाइड के को सीरियसली नहीं लिया तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं और पेशेंट जो है वीकनेस की वजह से मारा जाता है डेथ तक हो सकती है तो पॉइंट तो ये था कि क्योंकि इंटरस में रिजाइड कर रहा है तो इसीलिए फीकल मैटर के साथ एक्सट्रीट आउट करता है इसीलिए बोला जाता है कि जो ओपन डिफिकेशन होती है जो खुले में शौच जाना किस लिए खतरनाक है क्योंकि खुले में शौच जाने से अलग अलग बीमारी के जो हैं वो मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसको खुले में जाने से क्या होगा बाकी लोग भी उससे कंटामिनेट हो जाएंगे बाकी जानवर वहां पे जाएंगे आप लोग वहां पे जाएंगे और उससे क्या होगा वो इधर उधर फैलता जाएगा हमारे वाटर रिसोर्सेज को कंटामिनेट कर देता है इस तरीके से ये चीजें फैलती हैं इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हाई फीवर आ जाता है वीकनेस ये सारे सिम्टम्स आते हैं विडाल टेस्ट जो है इसका कॉमन टेस्ट है देखिए आजकल जो है एग्जाम क्या पूछ रहे हैं आपको कॉमन टेस्ट का नाम भी पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए टेस्ट हो रहा है क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस की बात है अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके जिस जगह पे आप रह रहे हैं बार बार हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कोरोना की बात है या फंगल इन्फेक्शन की बात है म्यूकोरमाइकोसिस की बात है तो उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ओके सेकेंड अगर मोस्ट कॉमन में बात करती हूँ तो निमोनिया होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से होता है जो कि हमारी लंग्स को जाके इन्फेक्ट करता है इस चार्ट में आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाए गए हैं अभी थोड़े दिन पहले आपके मतलब पूछे जाते रहते हैं मेनन्जाइटिस के बारे में पूछा गया था जैपनीज एंसेफिलाइटिस के बारे में पूछा गया था कि कौन सी जगह को इन्फेक्ट करता है अलग अलग एग्जाम पूछते हैं तो बिहार पीसीएस ने पूछा था या राजस्थान पीसीएस ने पूछा था तो इस तरीके से आप इस वाले चार्ट से आप ये दिखाई देख सकते हैं बैक्टीरियल मैनेजाइटस जो होता है वो कौन कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि बैक्टीरिया आपके कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो मैनेजाइटस का मतलब है आपके ब्रेन को इन्फेक्ट कर दिया ओटाइटिस मीडिया का मतलब है कान को ओटाइटिस मतलब कान को इन्फेक्ट कर रहा है निमोनिया का मतलब लंग को इन्फेक्ट कर रहा है स्किन का मतलब तो स्किन होती है आइज साइनोसाइटिस का मतलब है साइनसिस को इन्फेक्ट कर रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है के स्ट्राइटस करता है फूड पॉइजनिंग करता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और यू ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बीमारियाँ हैं वो किससे हो रही हैं बैक्टीरिया से तो आप इस चार्ट को भी रिविजन पर्पज़ के टाइम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज जो हैं जनरली कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन कर रहे हैं कुछ कॉमन कॉमन बैक्टीरियाज के आप नाम भी याद कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पे दिया गया है इस चार्ट से आप कुछ कॉमन बैक्टीरियाज के नाम लर्न करेंगे जो इस चार्ट में दिए गए हैं इस पहले वाले चार्ट से आप ये लर्न करेंगे कि बैक्टीरिया किस किस जगह को इन्फेक्ट कर सकते हैं बॉडी में कॉमनली ओके तो ये दोनों चार्ट जो है आपको रिवाइज करते टाइम पे पूरा ध्यान रखना है इस चार्ट में सब कुछ दिया गया है जो कि कॉमन बैक्टीरिया जैसे कि शिंग शिंगेलियोसिस जो है इसमें ये क्या कर रहा है ये करता है हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट और डायसेंट्री कर देता है मतलब डायरिया और डायसेंट्री जो फूड पॉइजनिंग तो फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय फीस उसके वजह से ये होता है सिम्टम्स वही हैं एबडोमल पेन बहुत ज़्यादा जो सीवियर डायरिया हो जाता है उसकी बात हो रही है व्यूबॉनिक प्लेग अब व्यूबॉनिक प्लेग कैसे फैल रहा है पॉजिटिव एजेंट कौन है यर्शीनिया पेस्टिस ये यर्शीनिया पेस्टिस से फैल रहा है पॉजिटिव एजेंट है ये सारे बैक्टीरियाज है ओके कहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है ये लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट कर देता है रैट जो होगा इसका वेक्टर होगा रैट फ्ली जो होती है इसका वेक्टर होता है रैट के ऊपर जो फ्ली रहती है uh, जो एक कीड़ा जो चूहे के ऊपर रहता है वो इसका वेक्टर होता है जैसे मलेरिया के केस में कौन है वेक्टर मलेरिया के केस में मच्छर के थ्रू फैल रहा है ना मलेरिया ओके okay, हम हाँ अभी बात करेंगे तो इसका वेक्टर क्या है रैट के ऊपर जो फ्ली रहती है वो इसका वेक्टर है और ये एक कौन से डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज है क्या सिम्टम्स हैं आप पढ़ लीजिए डिप्थीरिया डिप्थीरिया का बिग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किस किस को इन्फेक्ट कर रहा है लेरिंग स्किन नेजल पैसेज ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैल रहा है क्लास्ट्रीडियम टेटनी जो है टेटनस का बैक्टीरिया है जो कि मसल्स पाजम कर देता है टेटनस हो जाता है सालमोनिला टाइफी जो है वो टाइफॉइड कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी निमोनिया कर रहा है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोस जो है वो टीबी करता है तो ये सारे के सारे कुछ कॉमन बैक्टीरियाज के नाम हैं जो कॉमन कुछ डिजीजेस कॉज कर रहे हैं इस चार्ट को भी आप ज़रूर से लर्न कर लीजिए कौन सी डिजीज़ है कौन सा बैक्टीरिया है दो चीज़ें आपको ज़रूर लर्न करनी है डिजीज़ और बैक्टीरिया के बारे में आपको ज़रूर ज़रूर लर्न करना है आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको उसके सिम्टम्स भी पता चल जाएंगे तो ये था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको सिर्फ उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ जितना कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है राइट right? सेकेंड तरीके की डिजीजेज होती है वायरल डिजीजेज अब वायरस क्या होता था वायरस जो था वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा और नॉन लिविंग के बीच में फॉल करता है जिंदा माने या उसको ना जिंदा माने ये अभी तक डिबेट चलता रहता है तो इसको हम दोनों के बीच की कैटेगरी में मानते हैं ये गेहूं के दाने की तरह ऐसे पड़ा हुआ रह सकता है जब तक इसको कोई होस्ट सेल ना मिले जब तक किसी की बॉडी इसको नहीं मिलेगी उस बॉडी की सेल्स तब तक ये डेड ऑर्गेनिज्म की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह गेहूं के दाने की तरह पड़ा रहेगा स्टोर कर सकते हो आप इसको बड़ा नहीं होता इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वायरस क्या होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच वाली स्टेज पे फॉल करता है डॉर्मेंट स्टेज में रह सकता है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर जैसे ही उसको होस्ट सेल मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो जिंदा कैसे हो सकता है क्योंकि वो होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करता है इसीलिए हमने इसको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में क्लासीफाई करते हैं तो वायरल डिजीजेज जो अगर होंगी तो जनरली वायरल डिजीजेज को हम चार तरीके से क्लासीफाई करते हैं न्यूमोट्रॉपिक डिजीज होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती हैं वायरस डरमोट्रॉफिक होती हैं जो स्किन को इन्फेक्ट करती हैं विस्रोट्रॉपिक होती है जो ब्लड और विस्रल ऑर्गन्स अंदर जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है उसको इन्फेक्ट करती है न्यूरोट्रॉपिक होती है जो हमारी नर्व सिस्टम को इन्फेक्ट करती है उनके नाम से लिखा मैंने इसलिए डर्मो का मतलब स्किन है न्यूमो न्यूमो से रिलेटेड होगा तो लंग्स होंगी विसरा का मतलब होता है बॉडी के अंदर इनसाइड वाले ऑर्गन्स और न्यूरोट्रॉपिक नर्वस सिस्टम से इंक्लूडेड है कनेक्टेड uh, है तो कौन कौन सी हो गई है इन्फ्लुएंजा हो गया चिकन पॉक्स हो गया येलो फीवर हो गया रेबीज पोलियो ये सब हो गया तो चार कैटेगरी में हम वायरल डिजीजेस को जनरली क्लासिफाई करते हैं जो कॉमन वायरल डिजीजेज हैं अगेन ये फाइव स्टार चार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको जरूर लर्न कर लीजिए आपको दो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी है कॉमन डिजीजेस एंड उसका पॉजिटिव एजेंट मतलब कौन सा एजेंट उसको कॉज कर रहा है कौन सा वायरस इन्वॉल्व है और कौन सी डिजीज है अगर कॉमन कोल्ड की बात करें तो राइनो के फैमिली के वायरस इन्वॉल्व होते हैं मम्स की बात करें तो मम्स वायरस इन्वॉल्व होगा मीजल्स की बात करें रोबेला वायरस वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस वायरस चिकन पॉक्स की बात करें जोस्टर वायरस पोलियोमेलाइटिस की बात करें पोलियो वायरस ये आर वायरस है डेंगू फीवर की बात करें तो डेंगू वायरस चिकनगुनिया की बात करें तो अल्फा वायरस देखो तो डेंगू और चिकनगुनिया फैल किससे रहा है मच्छर के काटने से मच्छर कौन है इसका वैक्टर चिकनगुनिया मॉस्किटोबाइट से फैल रहा है कौन है वेक्टर फिर से मच्छर उसका वेक्टर है ठीक है तो ये सारे कौन से डिजीजेस हो गए ये सारे के सारे डिजीजेस हो गए वायरल डिजीज है बहुत ध्यान से पढ़ लो अब आप वायरस की वजह से फैल रहा है डेंगू फीवर और चिकनगुनिया अब इसको आप मलेरिया के साथ कंफ्यूज मत करना मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअल डिजीज है ओके वो प्रोटोजोआ क्या होता है एक अलग टाइप का छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फैल रहा है तो वायरस से ये सारे फैल रहे हैं इसीलिए मैंने बोला इस चार्ट को रट लो आठ ही इसके अंदर मोस्ट कॉमन डिजीजेज है आठ ही उसके वायरसेज हैं तो आठ मोस्ट कॉमन डिजीजेस कौन सी हैं जो वायरस से फैलते हैं उसको रट्टा मार लो आपको हमेशा याद रखना है फिर हम बात करेंगे प्रोटोजोअल डिजीजे के बारे में अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं प्रोटोजोआ भी अगेन एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कौन सा है सिंगल सेल में रहेगा लेकिन वो सेल जो होगा यूकैरियोटिक सेल होगा मतलब ट्रू न्यूक्लियस होगा उसके पास वो प्रोटोजोआज होते हैं तो प्रोटोजोआ जो होंगे वो भी डिजीज कॉज करते हैं मोस्ट कॉमन डिजीज है प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया हो कैसे रही है मच्छर के काटने से हो रही है तो मलेरिया का प्रोटोजोआ चार तरीके का होता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम फैलसी और एक और होता है प्लाज्मोडियम यस yes, ओवेल तो चार तरीके के ये बैक्टीरिया ये प्रोटोजोआ होते हैं मलेरिया के तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके का मलेरिया फैलाता है ऐसा खतरनाक मलेरिया उसको हमने मेलेग्न मलेरिया का नाम दिया है वो फेटल तक होता है वो मलेरिया बहुत खतरनाक है तो फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो जो होता है वो क्या है उसका वैक्टर है वो उसको ट्रांसमिट करता है कैसे ट्रांसमिट करता है मैं आपको समझाऊंगी चार्ट में जो मलेरिया का जो पैरासाइट है ये ये इसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ह्यूमन की जरूरत पड़ती है और एक मॉस्किटो की ज़रूरत पड़ती है उन दोनों के अंदर रहता है मॉस्किटो में रहता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों के अंदर रहता है तो प्लाज्मोडियम जो एंटर करता है वो स्पोर्जाइट फॉ के स्टेज पर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो कैसे करता है वो फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो जो है वो काटती है तब उससे इन्फेक्ट करता है अब मुझे ये बता देख लो आप इसके अंदर सारा लिखा हुआ है क्या क्या हो रहा है डिटेल में आप इसको पढ़ लेना मैं आपको समझाती हूँ इस चार्ट को देखो आप सबसे पहले ये एक ह्यूमन है ठीक है बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक ह्यूमन कहाँ है ये ये रहा, ह्यूमन ये है। सबसे पहले आप देखो सबसे पहले नंबर पे क्या हुआ फर्स्ट नंबर पे आप यहाँ पे देखो सबसे पहले एक मच्छर ने आके उस ह्यूमन को काटा ओके फर्स्ट स्टेज एक मच्छर आया कोई भी मच्छर नहीं एनाफेलिज मच्छर होना चाहिए उस मच्छर ने आके आपको काटा किसी ह्यूमन को काटा तो उसको जैसे ही वो काटेगा उसके जो ब्लड जो उसके पास जो ये प्रोटोजोआ था इस मच्छर के पास जो प्रोटोजो हुआ था क्योंकि ये वैक्टर है सिर्फ ये इधर से इधर पहुंचाने का काम कर रहा है तो जो वो प्रोटोज हुआ था उसने इसको इसके ब्लड में डाल दिया जैसे ही वो जाएगा तो वो उसके ह्यूमन के लिवर के अंदर चला जाएगा ह्यूमन की लिवर सेल के अंदर चला जाएगा वहां पर वो मल्टीप्लाई होना इन्फेक्ट कर देगा पहले उसको फिर वो मल्टीप्लाई होना यहाँ पे शुरू कर देगा वो प्रोटोजोआ वो प्रोटोजोआ मल्टीप्लाई होता जाएगा फिर वो रप्चर हो जाएगा टूट जाएगा लिवर सेल में था पहले फिर वो सेल्स रप्चर हो जाएंगी और वो कहाँ आ गया ब्लड में अब आ गया इनसाइड अ रेड ब्लड सेल अब ब्लड के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो ब्लड में अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा ब्लड सेल के अंदर आर के अंदर और आर के अंदर ये मेच्योर होगा और मेच्योर करके आर के अंदर से भी रक्चर करके हमारे पूरे ब्लड के अंदर ये फैल जाएगा पहले कहाँ आया था कहीं पे भी काटा मच्छर ने वो धीरे धीरे करके लिवर में पहुंच गया लिवर के अंदर वो मल्टीप्लाई होता गया जब इतना मल्टीप्लाई हो गया तो फिर वो ब्लड में आ गया फिर उसने क्या किया ब्लड में आरबीसी के अंदर फर्दर मल्टीप्लीकेशन शुरू की और आरबीसी के अंदर मच्छी होना शुरू किया अब यहाँ आरबीसी के अंदर ये उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर दो गेमीट्स बना देता है कौन बना रहा है ये ये बना रहा है प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम चार तरीके का हो सकता है वो प्लाज्मोडियम ओवेल फेल्सिपेरम और चार चार्ट दिया हुआ है किसी भी तरीके के चार तरीके का हो सकता है फेल्सीपेरम की बात कर रहे करेंगे फेल्सीपेरम हमारे अंदर ग्रो कर रहा है आरबीसी के अंदर तो ये पूरे ब्लड में फैल जाएगा जब ये आरबीसी के को इतना ज्यादा इन्फेक्ट करेगा तो फुल ब्लड में आ गया अब क्योंकि अब ये पूरे ब्लड में आ चुका है अब जो ये पर्सन था इसको भी अब मलेरिया हो चुका है पहले इसे नहीं था मलेरिया अब ये मलेरिया का पेशेंट है दोबारा जैसे ही इसको मच्छर काटेगा तो वो जो मच्छर अब की बार इसको काटेगा ऑलरेडी इसको तो मलेरिया है तो इसके ब्लड को जब वो सक करेगा तो अगेन वो मच्छर एनाफेलीज नाम का मच्छर उठा के ले जाएगा फिर से जो इसके ब्लड के अंदर प्रोटोजोआ हुआ थे फिर वो उसके ब्लड के अंदर मच्छर के ब्लड के अंदर ग्रो करेगा इनसाइड अ मॉस्किटो देखिए अब ये जो प्रोटोज हुआ जो गेमीट्स की स्टेज में था गेमीट्स क्या होते हैं जो सेक्शुअल मोड में ऑफ uh, uh, सेक्शुअल जो मोड का डिविजन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं गेमीट्स ओके okay? मेल और फीमेल गेमी जैसे एंड हो की बात है तो यहाँ पे गेमीस फॉर्मेशन हो गई उस स्टेज में ये यहाँ पर उसके अंदर ग्रो करना शुरू करेगा और ये मच्छर जो है ये मच्छर जैसे ही दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके अंदर फिर से ट्रांसमिट कर देगा और ये सारा साइकिल फिर से रिपीट होता रहता है इसीलिए बोला जाता है मच्छर जो है मलेरिया जो फैला रहा है मच्छर सिर्फ एक वेक्टर है लेकिन मलेरिया कैसे फैलाता है जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके ब्लड पे जब वो फीड करता है और उसके बाद किसी और को काटता है तब मलेरिया फैलता है इसीलिए बोला जाता है कि मलेरिया जब हो रहा है तो मलेरिया के पेशेंट को भी आप ध्यान से रखिए ऐसा ना हो आपके घर में और मच्छर हो उसको काटें फिर आपको काटें ऑब्वियसली बात है किसी एक पर्सन को अगर मलेरिया होता है तो आपके एरिया के अंदर जो है प्लाज्मोडियम नाम का मच्छर तो जरूर है सॉरी एनाफेलिज नाम का मच्छर तो जरूर है तभी वो काट रहा है तभी वो मलेरिया फैला रहा है तो दिस थिंग यू हैव टू तो अंडरस्टैंड ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का पूरा लाइफ साइकिल आपको दिखाया गया था प्लाज्मोडियम जो है वो चार तरीके का हो सकता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम ओवियल एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की टाइप का अगर प्रोटोजोआ है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है इसको बोला जाता है मलिगनेंट मलिग्नेंट मलेरिया ये देखिए यहाँ पे इसको मलिग्नेट मलेरिया बोला जाता है ये सारी की सारी बातें मैं आपको एन से पढ़ा रही हूँ और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ये सा, ये क्या कर रहा है मलिग्नेंट मलेरिया फैला रहा है सबसे खतरनाक फेटल हो सकता है दूसरे सारे माइल्ड मलेरिया क्वार्टन मलेरिया टर्शियन बिनाइन मलेरिया ये सब आराम से हल्के फुलके मलेरिया फैलाते हैं फैलसी है, सबसे खतरनाक मलेरिया फैला देता है राइट right. और इसका वेक्टर कौन है इसका वेक्टर है मच्छर ओके तो, okay? तो एक जो मच्छर है वो कितना एनाफेलिज जो मच्छर है वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है अब आप सोच लीजिए मलेरिया भी वही फैलाता है चिकनगुनिया भी वही फैलाता है डेंगू भी वही फैलाता है तो इसीलिए बोला जाता है ये जो स्लोगन चलाती रहती है ना सरकार कि हर हफ्ते जो है दस मिनट निकाल लो चारों तरफ देख लो जाकर कहीं कोई पानी इकट्ठा तो नहीं हो गया अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दो

ये कीड़े होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर फीड करते हैं और जो अपना का सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा उनको होस्ट से मिलेगा क्योंकि तो पैरासाइट ही हो गया और जो होस्ट से ही नरिशमेंट लेंगे होस्ट से ही प्रोटेक्शन लेंगे और होस्ट से सब कुछ सारा उसकी मशीनरी को यूज कर लेते हैं तो क्या होगा फिर ये होस्ट को डिजीज बना देते हैं उसका सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं और होस्ट को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ये जो होते हैं वॉर्म्स हमारे रहते कहां पर हैं इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं तो फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वॉम्स आर क्लासिफाइड एज हेलमेंट्स निमेटोड्स जिसको राउंड राउंड वाम कहते हैं टर्मे टर्मेटोड जिसको हम फ्लूक वाम्स कहते हैं फ्लैट वाम कैस्टोर्स जिसको हम टेप वाम कहते हैं और मोनोजिनस जिसको हम कहते हैं फ्लैट वाम की एक फैमिली है इस तरीके चार तरीके के कॉमन जो है हैथिस जो है वो होते हैं अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो अगर आपने ये अगर आप मैं इसलिए आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब आप देखिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अगर आपने देखा होगा या आपने सरकार के प्रोग्राम्स को कभी देखते हैं या कभी आपको मौका मिलता है स्कूल में किस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं तो आपने देखा होगा स्कूल में एक प्रोग्राम चलता है डी वार्मिंग का जिसमें कि की कीड़ा पेट के कीड़े खत्म करने के लिए आपको टैबलेट्स खिलाई जाती है हो सकता है कुछ लोगों ने आप में से खाई भी हूँ वो टैबलेट्स तो क्या होता है वो पेट के जो कीड़े हैं ना वो हेलमिन है वो जो है वो वो हेलमिन कीड़े हैं पेट के अंदर जिनको हम पैरासाइट कह रहे हैं जिनको हमें खत्म करना है ये क्या करते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करते हैं आते हैं कहाँ से हैं ये इंटस्टिनल जो पैरासाइट हैं ये सॉइल से ट्रांसमिट होते हैं अब सॉइल में कहाँ से आ रहे हैं अगेन क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं तो सॉइल में कहाँ से आते हैं कंटेमिनेटेड ह्यूमन फीसेज इसीलिए बोला जाता है ओपन डिफिकेशन को खत्म करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि जो ओपन में शॉर्ट जाते हैं खुले में जो शॉर्ट जाते हैं उनकी फीसिस में अगर इन्फेक्शन है तो वो सारी उस मिट्टी में फैल जाएगा अब आप सोचिए उसी मिट्टी में आपका पानी का सोर्स होगा उसी मिट्टी में आप सब्जियाँ उगा रहे हैं तो वो जो मिट्टी है पूरी कंटामिनेट हो जाएगी इसीलिए फीसिस जो है फीकल मैटर जो है उसे ओपन में नहीं रहना चाहिए कभी भी उसको सुएज सिस्टम में जाना चाहिए तो कैसे फैल रहा है ये जो इन्फेक्शन है ये कंटेमिनेटेड ह्यूमन फीसिस से फैल रहा है अगेन वॉर्म जो है वो इन्फेक्शन वॉम इन्फेक्शन इंटरफियर्स द चाइल्ड न्यूट्रिशनल अपटेक और उसको माल नरिश बना देगा क्योंकि जो भी वो खाना खाएगा उसकी इंटेस्टाइन में से सारा का सारा खाना वो वॉम खा लेगा बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा तो जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है बच्चों को ये मोस्ट कॉमन क्यों होता है क्योंकि बच्चे ही सब स मिट्टी में खेलते हैं बच्चे मिट्टी खा भी लेते हैं इसलिए उनके अंदर होता है ज्यादा तो ट्रीटमेंट क्या होता है इसका ट्री डी वैब्लेट दी जाती हैं अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल ये टैबलेट्स दी जाती है बच्चों को वाई ट्रीट एवरीमैन सिर्फ बच्चों बच्चों की बात नहीं है बड़ों को भी ये टैबलेट खानी चाहिए बड़े लोग जो होते हैं ये डब्ल्यू एच ओ का चार्ट है ये मैंने डब्ल्यू एच ओ के वेबसाइट से ही पिक किया है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही चार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ बच्चों को बच्चों को नहीं बड़ों को भी खानी चाहिए क्योंकि बड़े भी इन्फेक्ट हो सकते हैं जिस तरह से बच्चे हो रहे हैं क्यों करना चाहिए हमें ट्रीटमेंट अदरवाइज एनीमिया हो जाता है माल न्यूट्रिशन हो जाता है ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि अगर ये वार्म ग्रो करेंगे हमारे इंटेस्ट में तो हमारे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा तो इसीलिए मोस्ट कॉमन इंडिया जैसे कंट्री में बोला जाता है कि आप कम से कम छः महीने में या तीन महीने में एक बार डी वार्मिंग के टैबलेट ज़रूर खा लो सब लोग सब लोग और ये टैबलेट बहुत सस्ती होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कॉमनली मुफ्त में दी जाती है हम लोग तो मुफ्त में ही दे देते थे पहले ओके okay. मतलब दी है, जाती है गवर्नमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड की जाती हैं तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट होती है तो किस किस को ट्रीट करना है प्री स्कूल के बच्चों को ट्रीट करना है वुमेन को रिप्रोडक्टिव एज में जो है उनको जरूर ट्रीट करना है क्योंकि उनको अनीमिया के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं वेयर कैन ट्रीटमेंट भी सॉर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको हॉस्पिटल्स में स्कूल में आपको ये ट्रीटमेंट मिलता है तो ये हेलमेंथिस इन्फेक्शन था जो कैसे फैल रहा था जो एक अलग अलग तरीके के वॉर्म से फैल रहा था चार तरीके के कॉमन वॉर्म मैंने आपको बताया है टेप वॉर्म राउंड वॉर्म फ्लैट वॉर्म ये सारे आपको वॉर्म जो होता है ये इन्फेक्शन करते हैं सो so, और अगर हम हेलिमेंटिक डिजीज को क्लासिफाई करते हैं तो अगर हम बात करेंगे कि राउंड वॉर्म से कौन कौन से डिजीजेज हो रहे हैं तो राउंड वॉर्म से ये सारे डिजीजेज होते हैं फाइलेरियाज जिसमें कि पैर जो होता है जिसको हाथी पाँव बोला जाता है बहुत मोटा पैर हो जाता है फाइलरसिस वो भी एक तरीके के राउंड वॉर्म से होता है इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं इन्वेजिव डिजीजेज होती हैं ट्रेकिनोसिस जो होता है वो भी राउंड वॉम से होता है फ्लैट वाम से क्या होता है फ्लैट वॉम से शिस्टोसोमियासिस होता है जो कि लिवर और यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है टेप वॉर्म से क्या हो रहा है ये दोनों डिजीजेज हो रहे हैं देखो नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं सभी के लिए होते हैं आपने देखा होगा सभी को प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल होती है लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन करो उसकी बोलने की कोशिश करो ताकि आपके दिमाग में चला जाए वो नाम बस अगर आपने दस बार मैं इसीलिए बोलती हूँ अगर आप मैंने क्यों बोला है आपको कि आप रिवाइज कर लेना इन पी को जितनी बार आप इसको रिविजन के दौरा, दौरान पढ़ेंगे और एक बार आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं एक दो बार तो आपको ये आपके दिमाग में ये फिट हो जाएंगी चीजें जो भी मैं आपको समझा रही हूँ इतना ही काफी होता है तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर पाएंगे तो दिस इज द पर्पस लास्ट जो है वो है फंगल डिजीजेज अब फंगल डिजीजेज जो होती हैं वो क्या होती है फंगल डिजीजेज को अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ तभी होंगे जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये फंगस जो होती है वो हमारे नॉर्मल घर में पार्क में स्कूल में ऑफिस में सब जगह मौजूद है हमेशा लेकिन इन्फेक्शन किसको कर रही है जहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी कोई ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी लो है जो कि वीक है जो माल नरिश्ड है उनको ये इन्फेक्शन होते हैं हेल्दी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होते अनलेस और अनटिल आप उसको वो मीडियम प्रोवाइड नहीं करते कि आओ फंगस बैठो और यहाँ पे ग्रो करो तब तक नहीं होंगे अपॉर्चुनिटी जब तक उसे नहीं मिलेगी तब तक वो इन्फेक्शन नहीं होते तो आपको क्या करना होता है फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना करें और अपॉर्चुनिटी किस तरीके की है फंगस रहता कहाँ पर है फंगस रहता है सॉइल के बीच में स्किन के बीच में रहता है मॉइस्ट स्किन के बीच में रहता है रहता है स्किन पर लेकिन आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा इन्फेक्शन कब करेगा अगर आपने लगातार अपनी स्किन को गीला रखा लगातार उसको गर्म कंडीशन में रखा साफ नहीं किया उसे मीडियम मिल गया अगर तो वो आपकी स्किन को इन्फेक्ट करेगा अदरवाइज स्किन पर मिट्टी में हवा में फंगस हर जगह पे मौजूद रहता है तो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा सिर्फ परेशान कब करेगा जब उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी परेशान करने की तो जितने भी वॉर्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं और फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा प्रिवेंशन भी यही होता है प्रिवेंशन देखो ट्रीटमेंट अलग है और प्रिवेंशन अलग है रोकने के लिए उसको यही होता है कि आप अपनी स्किन को साफ करें जो अंधेरी जगह हैं उनके ऊपर रोशनी आने दें अपने जो हमारी प्रैक्टिसज हैं ना पुरानी प्रैक्टिस हमारे मम्मी पापा दादा दादी क्या करते थे जब भी, भी सर्दी आएगी तो सारे जो कपड़े हैं सर्दी के या जो आपके रज़ाई कंबल है आप उसको धूप में डाल दीजिए ये करते थे किस लिए करते थे कि अगर उसके अंदर किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया कोई फंगस अगर पड़ी हुई है तो वो धूप से अपने आप मर जाएगी स्टरलाइज हो जाएगा धूप जो है एक नेचुरल स्टरलाइजिंग एजेंट है वो हर चीज़ को स्टरलाइज करेगा अगर आपको कोई चीज़ को ठीक करना है आपकी कोई ख़राब चीज़ पड़ी हुई है जैसे खाने में कुछ मान लीजिए कीड़ा लग गया तो आप उसको धूप में रख दीजिए सूख जाएगा वो और उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा सिमिलरली आप अपने कपड़े जो हैं उनको पहनने से पहले धूप में रखते हैं जो हमारी ओल्ड प्रैक्टिसज हैं उसका कारण यही था उसको डिस करने के लिए हम लोग ऐसा किया करते थे तो फंगल इन्फेक्शन क्या है ये ऑपरचुनिटी के इन्फेक्शन है ये इस चार्ट में आपको दिया गया है कुछ कॉमन फंगल इन्फेक्शन के बारे में एस्परजिलोसिस है कैंडिडियासिस है न्यूमोसिस्टिक निमोनिय, निमोनिया है म्यूकोरमाइकोसिस है ये सारे के सारे जो है फंगल इन्फेक्शन के कुछ नाम दिए गए हैं क्या क्या करते हैं ये इसके डिटेल में आप आई थिंक आपको जाने की जरूरत नहीं है हाँ कैंडिडियासिस जो है वो पूरी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है न्यूकोर माइकोसिस है उसके भी अलग अलग टाइप हैं मतलब ये जो इन्फेक्शन होते हैं स्किन से स्टार्ट होकर बॉडी के डीप ऑर्गन्स तक को इन्फेक्ट करते हैं तो दिस वाज इट ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ जो पॉजिटिव जो एजेंट थे पाँच तरीके के हमारे वो क्या क्या तरीके की डिजीज़ फैला रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा बैक्टीरिया कैसे फैलाते हैं वायरस क्या करते हैं फंगस से कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से क्या होता है और हेलीमेंसिस से क्या इंजेक्शन होते हैं हमने उसके बारे में बात किया हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात इसलिए नहीं किया क्योंकि जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरीत है मैंने उतना ही आपको पढ़ाया सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इनट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सो थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन